अच्छी सी धूप है, अभी हवा है, बिकॉज मार्च का आखिर है, अप्रैल कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो रहा है, बट ये धूप वो वाली धूप है जब अपना मज़ा आता है धूप में घूमने को। अच्छी खासी गर्मी है, इतनी तो आप टॉलरेट कर लोगे, बिकॉज उसके बाद आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाओगे। तो चलिए भाई थोड़ी सी शॉपिंग करें, शॉपिंग कुछ ही करें, एक मखसूस चीज़ लानी है। अब यहाँ भरपूर रमज़ान के मौके पर तो कुवैत का मार्केट फ्लरिश करता है, जैसे जगमग होता है। चलो भाई आप चलते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, दूसरा दिन रमज़ान का एक कश्मीरी का कुवैत में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल कश्मीर लस्ट। भाई कैसे हो सभी, उम्मीद है मज़े में होंगे। अल्लाह को खैरियत में रखे, आफियत में रखे, बरकत करे। सो भाई प्लान ये है कि आज मुझे लाना है एक मार्केट से एक चीज़, बिकॉज रमज़ान का महीना है, वो चीज़ होगी थी ख़राब, अब हम नहीं लाने जा रहे। तो वॉच द वीडियो एंड तक देखते रहो, और कश्मीरी इन कुवैत ये नज़ारे लेने बनते हैं। अच्छी सी धूप है, अभी हवा है, बिकॉज मार्च का आखिर है, अप्रैल कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो रहा है, बट ये धूप वो वाली धूप है जब अपना मज़ा आता है धूप में घूमने को। अच्छी खासी गर्मी है, इतनी तो आप टॉलरेट कर लोगे, बिकॉज उसके बाद आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाओगे। निकल रहे हैं अभी हम उस जगह जाएंगे, मॉल में जाना है, ऑब्वियसली धूप अच्छी अच्छी है। और आप ये गाड़ियाँ देखेंगे यहाँ पर, मतलब ये बेसिकली नीचे कॉन्क्रीटिंग करके पूरी रेत ही है, मिट्टी और रेत का कॉम्बिनेशन। तो इस जगह पर गाड़ियों के बगैर चला नहीं जाएगा, बिकॉज आपका वर्कआउट तगड़ा होने वाला है जब आप कंस्टेंटली चलते रहोगे इस कॉन्क्रीट पर, बिकॉज आप लिटरली थक जाओगे। तो भाई चलो आगे बढ़ते हैं, दिस इज़ द वे इन लाइफ यार, ये चुप मैं यही करूँ। तो भाई बाहर ही निकले, एंड आई हैव रीच्ड टू दिस प्लेस कॉल्ड सिटी स्टार। पहले मैं देखता हूँ वो सिटी स्टार में मिलेगा कि नहीं, अगर नहीं मिलता है फिर नेस्टो जाना पड़ेगा, बिकॉज ये दो जगह में प्रेफरेबली होम अप्लाइंस है, घर के लिए कुछ ला रहे हैं। तो पहुँच गए भाई, देखिए मैंने आपको कहा ना, ये लुलू के सामने ही कंस्ट्रक्शन हो रही है, लुलू के यहाँ का सबसे बड़ा फ्रेश मार्केट है। पिछली बार मैंने लुलू के फिश वाले वीडियोज़ बनाए थे लुलू के अंदर, और ये रहा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, विद इन एक महीने में क्लीन हो गया होगा, बिकॉज ये कुछ नया बना रहे हैं यहाँ पे, पाथ वाथ या कुछ बिल्डिंग बन रही है। तो भाई पहले हम इसमें दिखेंगे, सिटी स्टार में मिलेगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वापस इस रास्ते सीधे नेस्टो की तरफ जाना पड़ेगा। सो गाइस आई स्टेप्ड इनटू द सिटी स्टार। सिटी स्टार में आने का सुकून है, यहाँ पर हर कोई चीज मिलती है, होम अप्लायंसेस, ग्रोसरीज, जो भी है, मगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी। अब मैं ढूंढ रहा हूँ क्या, मैं ढूंढ रहा हूँ राइस कुकर। So this is my main idea to show you the rice cooker, because आप लोग rice cooker के लिए video नहीं देखते। मैं आज मैं rice cooker आऊँ, no, पुराना वाला ख़राब हो गया। तो भाई चलिए देखते हैं जनाब क्या कहें, यहाँ का मार्केट तो मैं सुबह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर सिटी स्टार में मिलती हैं। सिटी स्टार का एक अच्छा सा वीडियो मैं बनाऊंगा, वो आप देखेंगे, बिकॉज यहाँ पर ऐसी चीज़ें मैंने देखी, यूटेंसिल्स, इक्विपमेंट्स, होम अप्लायंसेज, जो मैंने कश्मीर में थ्रू आउट इंडिया में नहीं देखे, बट डिटेल कलेक्शन का वीडियो आएगा, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए मुझे जो चीज़ लानी है वही मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर यहाँ नहीं मिली तो दूसरे मॉल पर जाना पड़ेगा, बट कोशिश करूँगा यहाँ पहले मिल जाए। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एक भाई से पूछा, बोला उस वाली साइड है, उस वाली साइड चलते हैं, लेट्स सी वहाँ पे शायद राइस कुकर मिल जाए। ये वाली चीज़ें देखिए, ग्लास बोटल है 350 फिल्स की, लुक एट दीज ग्लास बॉटल्स। यार मैं क्या दिखाने आया था, क्या देख रहा होगा, ये देखो ये छोटी छोटी ग्लास बॉटल्स देख लो, हाँ 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 ज़बरदस्त ग्लास बॉटल्स है, ये वाली देख लो भाई, ये है यहाँ पर तगड़ा कलेक्शन। इट्स ये दिस इज़ अ सिटी स्टार इज़ अमेजिंग यार, इट्स अ बिग थिंग। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, अब हम किचन वाले सेक्शन में ही है, तो आई एम एक्चुअली सर्चिंग फॉर राइस कुकर, आई थिंक यहीं पे कहीं मिलेगा राइस कुकर। देखिए कितना, ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है प्रॉपरली, और यहाँ पर ज़बरदस्त कलेक्शन है।
इस सेक्शन में तो लंच बॉक्सेस का जबरदस्त मजमा लगा पड़ा है। लंच बॉक्सेस तो पूछे मत, यहाँ पर तो सब कुछ मिलता है। लंच बॉक्सेस ऐसे हैं कि मुझे दिन लग जाएगा दिखाने में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल एक ऊपर से नजारे ले लो। उसके बाद लंच बॉक्सेस के बाद आते हैं हम बात वाटर बॉटल्स। ये बॉटल ये वाली तो बहुत तगड़ी लगी मेरे को। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉटल्स भी मिलती है। मतलब मैं अगर आपको बताऊँ, मैं सिटी स्टार पता नहीं था, बट शाहनवाज भाई है मेरे एक, तो उन्होंने बोला सिटी स्टार जाके देख। मुझे लगा यहाँ की कलेक्शन बहुत तगड़ी है, इसीलिए मैं उधर उधर घूम रहा। पहले मुझे राइस कुकर नहीं मिल रहा भाई, राइस कुकर लाना है, नहीं तो मुझे रूममेट्स निकाल देंगे। बिकॉज इफ्तारी कैसे करेंगे, सहरी कैसे करेंगे, चावल के बगैर कश्मीरी अधूरा है भाई। तो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस डस्टबिन, यहाँ पर तो पूरा ताला पड़ा है डस्टबिन का। सिटी स्टार भाई, मैं इंप्रेस इसलिए होता हूँ बिकॉज एक एक कोना पड़ा है। जैसे ये डस्टबिन के हैं, पेडल डस्टबिन है, टॉप टो लोडेड, लोअर लोडेड डस्टबिन है, वो आपको बाद में समझाऊंगा क्या होते हैं। मतलब बिन्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डस्टबिन हैं। ये पूरा क्वाड्रेंट ही है भाई। कितना अगर मैं डस्टबिन बैठ गया दिखाने तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग इज यहाँ पर कलेक्शन जबरदस्त होती है। कैंपिंग वैम्पिंग के लिए जाते हैं, कैंपिंग स्टोव्स। ये लो भाई, ये गैस स्टोव है स्मॉल बर्नर के साथ, डिस्टेट का। लुक एट दिस, इट्स अ स्मॉल वन, वो छोटा सा है। ये तो मैं ले जाऊंगा भाई, कैंपिंग हम जाते हैं कश्मीर में। लुक एट दिस ब्यूटीफुल बास्केट्स, अबाउट 10 रुपीज। दिस इज द वन, एनी ऑफ दीज वंस। ये कैप्स हैं, जनाब वाली सीन ऐसा है कि राइस कुकर नहीं मिला यहाँ पर। मतलब शॉपिंग के चक्कर में राइस कुकर सब ने ले लिए, और जो मिले वो 1.8 लीटर के मिले, छोटे वाले। मुझे छोटे वाले नहीं चाहिए, मुझे बड़ा चाहिए, कम से कम 5 लीटर। बिकॉज इन दोनों हमारा, हम 6 लोग हैं। ओके भाई, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। यस, तो वहाँ मिला नहीं। अब ऑब्वियसली जब यहाँ पर भी ना मिले तो नेस्टो में मिलेगा। अब भाई नेस्टो ही जाना पड़ेगा। चलो भाई नेक्स्ट टू चलते हैं, बिकॉज यहाँ तो लुलू में मुझे नहीं लगता लुलू में अच्छा मिलेगा। अब हमें सीधे ही जाना नेक्स्ट टू। चलो अब देखते हैं यहाँ मिलेगा कि नहीं, बिकॉज हम एटलीस्ट 5 लीटर का ढूंढ रहे हैं, 5 लीटर राइस कुकर। मीटर गार्ड पर केज ओनली 495। तो सिंपल सा फंड है, लास्ट में ये वाला बेसिकली राइस कुकर परचेज कर लिया, बिकॉज इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं था। 5 लीटर याद रखा करो, जब 5 से 6 बंदों के लिए चाहिए। इट्स फॉर दोज गाइज जो घर में खुद खाना पकाते हैं। सो रिमेंबर, 5 लीटर से कम नहीं, वरना भैया राइस कुकर कहीं पर जाके फेंक दो।